नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा उलटफेर। चुनाव से ठीक 10 दिन पहले बीजेपी ने 33 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल तक पार्टी से रहेंगे बाहर। समाजवादी मंत्री आजम खान का पीएम मोदी पर विवादित बोल, कहा सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। भाजपा नेता इसी में दर्ज करेंगे शिकायत। बीजेपी नेता विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर का उठाया मुद्दा, कहा जैसे मस्जिद गिराई वैसे ही मंदिर बनाएगी हमारी सरकार। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश अकबर गिरफ्तार, एक आरोपी भागने में रहा कामयाब, मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। गुजरात के वडोदरा स्थित पारुल यूनिवर्सिटी में भारतीय और विदेशी मूल के छात्रों के बीच मारपीट, घटना में 20 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बर्फीला तूफान, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, जम्मू कश्मीर में भी जारी किया गया अलर्ट। ये थी अब तक की बड़ी खबरें, आप देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।